लभते सद्भक्ता शिवसुखि समाजं किं तदा महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, आज जिस विषय को लेकर मैं यहां पर आया हूं, ज्ञान गंगा महोत्सव का आगाज हो रहा है आज यहां से। ज्ञान की गंगा है जो आज इस छात्रावास के प्रांगण से प्रवाहित हो रही है। एक बात को ध्यान रखना कि जो भी कहूंगा बड़े हृदय से बोलूंगा, जुबान से कम हृदय से ज्यादा बोलने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जब जुबान से बोला जाता है तो इस कान से सुना जाता है और इस कान से निकल जाया करता है, लेकिन जब कोई बात हृदय से बोली जाती है तो हृदय से निकलती है, लोगों के हृदय तक पहुंच जाया करती है। हजारों तरह के मंदिर होते हैं दुनिया में, ऐसा कोई ना होगा जिसने अपने धर्म का एक मंदिर ना बनाया हो। नाम भले ही कुछ हो, कोई मस्जिद कहता हो, कोई गुरुद्वारा कहता हो, कोई मंदिर कहता हो, कोई चिनालय कहता हो, और इस शब्दों में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे के सारे स्थान एक पूजा के स्थान हुआ करते हैं, आराधना के स्थान हुआ करते हैं। हर मजहब का प्राणी अपने आराध्य का एक मंदिर बनाता है, एक स्थान बनाता है, वहां बैठ कर भगवान की पूजा करता है, अपने खुदा की इबादत करता है, ईश्वर की आराधना किया करता है। लेकिन आज छात्रावास में बैठकर मैं ना मस्जिद बना रहा हूं ना मंदिर बना रहा हूं, आज यहां बैठकर ना गिरजा बनाए जाएंगे, यहां बैठकर ना चैत्यालय बनाए जाएंगे ना जिनालय बनाए जाएंगे, यहां बैठकर के मैं पुलक सागर, एक मंदिर तो पूरे शहर में 10 होते हैं, 20 होते हैं, 100 होते हैं, इससे ज्यादा मंदिर किसी शहर में नहीं हुआ होते होंगे। अरे मान लो कि 1000 मंदिर भी होते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं उन मंदिरों की संख्या सीमित है। लेकिन आज जो मंदिर बनाए जाएंगे, आज जिस मंदिर के निर्माण के लिए हम एकत्रित हुए हैं, अरे 1000 मंदिर नहीं, लाखों करोड़ों मंदिरों का निर्माण आज यहां से किया जाएगा। मैं उस मंदिर की बात नहीं कहूंगा कि जहां परमात्मा का निवास हुआ करता है, मैं आज बैठ करके उस मंदिर की बात करूंगा कि जहां परमात्मा का नहीं, जहां अपनी ही आत्मा का निवास हुआ करता है। और जहां अपनी आत्मा होती है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जहां आत्मा है वहीं पर हमारा परमात्मा। आत्मा ना हो तो परमात्मा के मंदिर कुछ काम ना आएंगे। ध्यान, आत्मा से ही परमात्मा के मंदिर बना सकते हैं। जो आज परमात्मा है, कभी वह हमारी तरह आत्मा रहा है। मान्यवर, आज का प्रवचन मेरा थोड़ा रानी कलर वाले दीर्घ कवच ज्यादा रहेगा, समझ गए होंगे। ये रानी कलर ही नहीं है, तुम्हारे घर की कौन बोला महारानी भी। आज जो मैं बात कहने जा रहा हूं कि यह भगवान कहता है उसे भगवान का मंदिर कहते हैं,
और जहां इंसान रहता है उसे इंसान का मंदिर कहा जाता है। लेकिन फर्क दोनों में इतना है, ईंट पत्थर के मंदिर को, ईंट पत्थर की इमारत को मंदिर बनाता है पुजारी, और घर के रिश्तों को मंदिर बनाती है नारी। ध्यान रखिए, भगवान के मंदिर में पुजारी की कीमत होती है और घरों के मंदिर में नारी की कीमत हुआ करती है। नारी ही मंदिर बनाती है, नारी ही जीवन का सारा सुख और सौंदर्य लेकर के आती है। एक नारी चाहे तो घर को मंदिर बना दे, एक नारी चाहे तो घर को नरक में भी परिवर्तित कर सकती है। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ज्ञान गंगा महोत्सव के पहले दिवस पर माताओं से मैं शुरू हो रहा हूँ, बहनों से मैं शुरू हो रहा हूँ, इसलिए हो रहा हूँ कि दुनिया का कोई भी शुभ कार्य ऐसा नहीं है जिसमें नारी को आगे न रखा जाए। हर शुभ कार्य में नारी आगे होती है। यह मंगल घर की स्थापना हुई, मेरे कक्ष से लोग कलश लेकर के आए। एक पुरुष ने हाथ बढ़ाया कि मैं लेकर चलूं। मैंने कहा तुम्हारे साथ रहने से ये कलश ही रहेगा, लेकिन नारी के हाथ में जाएगा तो मंगल कलश हो जाएगा। नारी ही मंगल कलश लेकर चलेगी। इसलिए मैंने कहा हर शुभता की, हर मंगल की शुरुआत नारी से होती है। नारियों जरा ताली बजाओ। एक ऐसे मंदिर का निर्माण करें यहां बैठ करके। भगवान का जब मंदिर बनता है ना, ईंट लगती है, चूना लगता है, सीमेंट लगता है। आज आओ हम यहाँ बैठ करके कुछ ईंटें एकत्रित करें, यहाँ बैठ कर कुछ सीमेंट एकत्रित करें, आओ यहाँ बैठ कर कुछ चूना एकत्रित किया जाए। और ध्यान रखना, मैं कोई बिनानी सीमेंट को नहीं बुलाऊंगा, मैं कोई वंडर सीमेंट को नहीं बुलाऊंगा। यहाँ बैठ कर के यदि मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं किसी कुम्हार की ईंटों की बात नहीं कर रहा हूँ। आए हम सब मिलकर इस पंडाल में, यदि घर को मंदिर बनाना है, कुछ इंसानियत की ईंटें उठा करके ले आए, अरे कुछ सच्चाई की सीमेंट लेकर आए और चारित्र का चूना लग जाए तो फिर हमारा मंदिर में परिवर्तित। चाहिए मुझे सच्चाई की सीमेंट चाहिए और चारित्र का चूना चाहिए। और ये तीन चीजें ग्वालियर वालों तुमने मुझे दे दी, तो मैं यहां से जाने से पहले तुम्हारे घर को मंदिर का रूप देकर के चला जाऊंगा, तुम्हारे घर को मंदिर जैसी पवित्रताएं देकर चला जाऊंगा। आओ मोहब्बत की मीनारें बनाए, आओ प्रेम के मंदिरों का हम निर्माण करें। यहां बैठ करके एक बार याद रखना, वही धर्म महान होता है जिसमें सोच महान होती है, और वही घर महान होता है जिनका चिंतन महान हुआ करता है। थोड़ी सी सोच को महान बनाए, थोड़े से चिंतन को महान बनाए। हमारा जन्म एक परिवार में होता है, एक फैमिली में हम जन्म लेते हैं। याद रखना, उसी परिवार में जन्म होता है, उसी परिवार में हम सांस लेते हैं। और हर आदमी चाहता है कि जीवन की अंतिम सांस भी उसी परिवार में समाप्त होना चाहिए। जहां पहली सांस ली वही जीवन की अंतिम सांस होना चाहिए। ऐसा कौन है जो परिवार से मोह छोड़ता हो? अरे सांसारिक बंधनों से मोह माया को छोड़कर संत बनना कठिन काम हुआ करता है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, जब अपने परिवार और संसार के बंधनों को नहीं छोड़ पाते हो, तो आओ ऐसा करें, इन बंधनों में थोड़ी सी मिठास पैदा कर ले, ताकि घर में रहकर भी संन्यास का आनंद लिया जा सके। थोड़ी सी मिठास होना चाहिए हमारे जीवन में। रोज सुबह उठ करके, महिलाओं से निवेदन है, पुरुषों से निवेदन है, रोज सुबह उठकर कर्तव्य की काफी पियो, चिंतन की चाय पिया करो। रोज सुबह उठ करके कर्तव्य की काफी पियो, चिंतन की चाय पियो, आस्था का नाश्ता कर लिया करो, तुम्हारा घर अपने आप स्वर्ग में परिवर्तित। आस्था का नाश्ता करो, चिंतन की चाय पियो और कर्तव्य की काफी का पान करिए। मैं आपसे चाय नहीं छुड़ा रहा हूं, मैं आपसे नाश्ता को मना नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे काफी पीने को मना नहीं कर रहा हूं। काफी पियो,
कैसा होगा वो घर जिस घर में बच्चे को देखकर पिता मुंह मोड़ लेता होगा, कैसा होगा वो घर जहां बच्चे अपने पिता से अदब से बात नहीं कर पाते हैं, कैसा होगा वो घर जहां सास बहू ऐसी रहती है जैसे सांप और नेवले का किसी ने संबंध बना दिया गया हो। एक बात ध्यान रखिए, मैं तो घर उसी को मानता हूं कि तुम्हें देख करके पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। मैं तो घर उसी को मानता हूं कि बहू को देखकर सास का चेहरा प्रसन्नचित्त हो जाए। तो समझना वह घर है तो हमारा जीवन है, वरना व्यर्थ जीवन है। हमें लोगों के सामने निगाहें चुराना पड़े, हमें लोगों के सामने मुंह फेर करके बात करना पड़े। नहीं, घर की ही बात नहीं कर रहा हूं, समाज में भी ऐसे मिलो, जब भी मिलो तो मुस्कुरा करके और हाथ जोड़ करके आपस में मिलना चाहिए। लेकिन इसकी शुरुआत आश्चर्य की बात है, आदमी समाज में तो हाथ जोड़कर जय जिनेन्द्र कर लेता है, हाथ जोड़कर राम राम कर लेता है, लेकिन घर के सदस्यों से प्यार से बात नहीं करता है। ध्यान रखिए, नरक के समान होते हैं वो घर। मैं निवेदन करूंगा जो हिंदू परंपरा में वैष्णव परंपरा में जीते हैं उनके यहां कुछ मान्यताएं होती है, कुछ मान्यताएं होती है। वह जाते हैं साथ में एक बार और मां वैष्णव देवी को एक चोला चढ़ाते हैं, साड़ी पहनाया करते हैं। जैन परंपरा में भी जो देवी पद्मावती को पूछते हैं वह भी माता को साड़ी चढ़ाते हैं, चोला चढ़ाते हैं। मैं बहू से कहूंगा, मैं बेटों से कहूंगा, यदि इन मूर्तियों को साड़ी पहनाने से हमारा सौभाग्य जगता है तो कहूंगा घर में बुजुर्ग माँ बैठी हो और एक साड़ी उसे भी पहनाओ, तुम्हारा परम सौभाग्य जगने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। मैं सोचता हूँ कि शायद पत्थर की देवियों को वस्त्रों की उतनी जरूरत ना होगी, बल्कि जीती जागती देवी को वस्त्रों की बहुत जरूरत हुआ करती है। और यहीं से धर्म शुरू हुआ करता है, यहीं से धर्म की शुरुआत हुआ करती है। ध्यान रखिए, धर्म वो नहीं जो मंदिर में किया जाता है, धर्म मंदिर में सीखा जाता है और धर्म परिवार में जिया जाता है। जो जीता है वही दुनिया में धर्मात्मा हुआ करता। सोचिए, खाली भरवर के भोग लगाते हो, थाली भर भर के सामग्री चढ़ाते हो भगवान के चरणों में, चढ़ाइए, मेरा कोई विरोध नहीं है, चढ़ाना ही चाहिए, मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि घर के किसी कोने में कोई सास, कोई बहू, कोई ननन, कोई देवरानी आज हमारी वजह से भूखी तो नहीं बैठी है। यदि भूखी बैठी है तो मैं कहूंगा मंदिर की थाली बाद में लगाना, पहले घर में भूखे की थाली लगाना, तुम्हारे घर को मंदिर बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। क्या फर्क पड़ता है, एक देवता को थाली ना चढ़ाओ तो देवता का कुछ ना बिगड़ेगा, लेकिन घर में कोई भूखी है हमारे व्यवहार की वजह से घर को नरक बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। कभी मेरे प्रवचन सुनने ही हजारों लोग आए हैं, अरे क्या जरूरत है मेरे प्रवचन सुनने की। कभी घर में किसी बच्चे के प्रवचन सुनना, आज जाना अपने घर और घर जाकर के 8 साल के बच्चे से पूछना कि बेटा बता, मैं तुझे डांटता हूं, बोल तुझे अच्छा लगता है या बुरा लगता है, तो बोलो 8 साल का बच्चा क्या कहेगा। आपसे पूछना, ना समझ बच्चा क्या बोलेगा। एक 5 साल के बच्चे को डांटना तो कहेगा पापा डांटते क्यों हो, जो कहना है बात सरलता से कह दीजिए। एक 5 साल का बच्चा कहता है कि गुस्सा करना अच्छा नहीं हुआ करता है, एक 5 साल का बच्चा कह देगा कि झूठ बोलना अच्छा नहीं होता है, एक 5 साल का बच्चा आपको बता देगा कि किसी की हिंसा करना बुरी बात है। अब बताओ ग्वालियर वालों, जो 5 साल का बच्चा बता रहा है वही ये 40 साल का पुलक सागर तुम्हें बता रहा है, उसके प्रवचन में और मेरे प्रवचनों में अंतर क्या है। मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूं,
जो अकल 5 साल के बच्चे में आ गई, बताओ तुम्हें 50 साल में वो अकल क्यों नहीं आया करती है। अब ज्ञानी कौन है? वो छोटा बच्चा ज्ञानी है या 50 साल के और 5 फीट 6 इंच का आदमी? उसे इतनी अकल नहीं आती है कि हमें कैसे बोलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे हमें अपना व्यवहार, बच्चों से व्यवहार सीखो। यदि बच्चों से व्यवहार सीख गए तो पुलक सागर को छात्रावास में गला भरने की कोई जरूरत ना पड़ेगी। आप सीखिए छोटे छोटे बच्चों से, जरा उनके पास बैठ करके देखिए, जिंदगी जीना आपको सिखा देंगे। मान्यवर, आज सारे देश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। चांद दिख चुका है ललित भाई? दिख गया कि नहीं? क्योंकि आजकल इमाम को चांद बाद में दिखता है, इन पत्रकारों को पहले दिख जाता है। मुसलमानों में नहीं आती है, सभी धर्मों में आती है। हिंदुओं की ईद दिवाली होती है, उस दिन सब गले मिला करते हैं, और जैनियों की ईद क्षमावाणी होती है, उस दिन सभी लोग गले मिला करते हैं। ध्यान रखना है, तारीख बदलती है, अंदाज नहीं रहता है। ध्यान रखिए, अरे रस्म परंपरा बदल जाएगी लेकिन गले मिलने के संस्कार भारत के कभी बदल नहीं सकते हैं। गले तो सभी मिला करते हैं, ईद बन रही है, कभी क्षमावाणी बनेगी, कभी दिवाली बनेगी। सौभाग्य मेरा, इस बार ये सारे त्योहार मुझे ग्वालियर में मनाने का अवसर प्राप्त होगा, और हर त्योहार तुम्हें मेरे सानिध्य में मनाने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन मैं एक बात आपसे कहता हूं, जिन लोगों को जीना नहीं आता है वो लोग आज ईद मना रहे हैं। जिन्हें जीना नहीं आता वो एक बार दिवाली मनाते हैं, जिन्हें नींद जीना नहीं आता वो साल में एक बार होली मनाया करते हैं। लेकिन जिन लोगों को जीना आता है, रोज सुबह भाई भाई गले मिले तो ईद का त्योहार हो जाया करता है। रोज दोपहर को एक साथ बैठ करके भोजन करें तो होली का त्योहार हो जाता है। और जिस रात बुजुर्गों के पैर दबा कर उनकी दुआ ले लो, अरे अंधेरी रात भी दीपावली में परिवर्तित हो जाएगा। जिन्हें जीना नहीं आता वो साल में एक बार मनाते हैं, और जिन्हें जीना आता है वो हर दिन त्योहार मनाया करते हैं। जीना सीखा, ऐसा किसी ग्रंथ में लिखा है? कुराने शरीफ में क्या ये लिखा है कि साल में एक बार ही गले मिलना चाहिए? क्या आपकी गीता ये कहती है दिवाली के दिन ही गले मिला करो? क्या हिंदू की परंपरा ये कहती है कि होली में ही रंगों से रंग मिलना चाहिए? अरे रंग मिले या नहीं मिले, हमारे जीने का ढंग जरूर मिल जाना चाहिए, हमारा जीना सार्थक और सफल। रोज सुबह ईद मनाओ, दोपहर होली मनाओ, साथ दिवाली मनाओ। यदि आपने ये तीन त्योहार प्रतिदिन मना लिए तो मैं कहता हूं, ना जा मंदिर, ना जा मस्जिद, ना जा तीर्थ स्थान, तेरे घट में बसे हैं भगवान, यहां वहां जाने की कोई जरूरत। हर दिन नफरत के बीज बोते हैं हम, हर दिन दिलों की दूरियां बढ़ाते हैं हम। नहीं मेरे भाई, एक बात याद रखना, कीमती रत्न पहनने से जिंदगी बदलेगी या नहीं बदलेगी ये तो कोई ऐसी जैन ही बता सकता है। नगीने रत्न वहां बिका करते हैं, राहु की दशा चल रही, शनि की दशा चल रही है, बुध तुम्हें तेरी निगाहों से देख रहा है, बृहस्पति का काल चल रहा है, ये सब मुझे कुछ नहीं आता है। लेकिन आपसे इतना जरूर कहूंगा कि नीलम कुखरान और हीरा पन्ना पहनने से तुम्हारे जीवन बदले या ना बदले? अरे बदल जाए तो पंडित से मिल लेना, ना बदले तो मुझसे मिलना। मैं कहता हूं कि हीरे की अंगूठी पहनाने से पत्नी का स्वभाव ना बदलेगा, अरे प्रेम की अंगूठी पहना तो पत्नी का स्वभाव अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। और हीरा भी दो, मैं ये नहीं कहूंगा कि महिलाएं नाराज हो जाएंगी कि महाराज अरे लड़ता था लड़े, ये हीरा की अंगूठी तो डालता था। ध्यान रखिए, कहता हूं हीरे की अंगूठी में भी प्रेम का नगीना चढ़ दिया जाए
ख्याल रखना, वो अंगूठी से भी प्यार नहीं करेगी बल्कि देने वाले पर भी जीवन में छबर कर दिया करती है। ध्यान रखना, एक तो अंगूठी से प्यार होता है और एक पहनाने वाले से प्यार हुआ करता। ध्यान रखिए, दोनों ही प्यार की जरूरत है। मान्यवर, एक बात तो बता दो, मंदिर कितनी देर को जाते हैं? बोलो, 24 घंटे में मंदिर कितनी देर को जाते हैं? बोलो, अम्माओं से नहीं पूछ रहा हूं, तो 2-2.5 घंटे हो जाते हैं। वो तो सोचती है कि चलो जितना टाइम यहां पास हो जाए तो हो जाए, और बहू भी सोचती है कि बड़ी लंबी शांति धारा चल रही है, जब तक नहीं आएगी शांति शांति रहेगी। और कह देती अम्मा जी और बड़ी कराती, इतनी जल्दी काहे को आ गई। ध्यान रखना, विचार करना है आपको, कितनी देर आप मंदिर में लगाते ईमानदारी से। जहां तक ईमानदारी की बात आ जाए तो 15 मिनट से ज्यादा कोई मंदिर में ईमानदारी से नहीं बैठता है। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे बैठ जाएगा, 1 घंटे बैठ जाएगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, जिस मंदिर में 1 घंटे बैठना है उसे कितना पवित्र बना के रखते हो, वहां व्यर्थ का अपलाप नहीं करते, वहां भगवान का सुमरण करते हो, किसी के प्रति गलत भावना नहीं करते, मंदिर में बैठ कर 1 घंटे दुर्व्यवहार नहीं रखा करते हो, अपशब्द नहीं बोला करते हो। अरे बता दो ग्वालियर वालों कि जिस मंदिर में 1 घंटा बैठना है उसे इतना पवित्र बनाते हो, तो जिस घर में 23 घंटे रहना है उसे पवित्र क्यों नहीं बनाते हो? अरे 23 घंटे वाले घर को पवित्र बनाइए, 1 घंटे वाले की चिंता मत करिए। जहां 23 घंटे जिंदगी गुजारना है उसको पवित्र बनाने का आप प्रयास करिए। जीवन में युवाओं से मैं कह रहा हूं, बालिकाओं से मैं कह रहा हूं, हर चीज में गलती कर लेना, देश की सरकार बनाने में गलती करो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मकान बनाने में गलती हो जाए चलेगा, आंसर सीट में उत्तर गलत हो जाए वह भी चलेगा, कभी कभी कपड़ों में गलती हो जाए वह भी चलेगी। 1000 गलतियां चल जाएंगी, लेकिन जीवन को यदि स्वर्ग बनाना है, एक बात मेरी कान खोल कर सुनना कि जीवन में किसी भी चीज के चुनाव में गलती हो जाए तो हो जाए, लेकिन जीवन साथी के चुनाव में कभी गलती नहीं होना चाहिए। ऐसा जीवन साथी चुनिए जिसके पास केवल सुंदर रूप ही ना हो, ये गोरा रंग ज्यादा दिन नहीं चला करता है। कहते हैं ना, गोरे रंग पे इतना घुमा ना कर, गोरा रंग 2 दिन में। एक बताइए, एक गोरा रंग कितने दिन अच्छा लगता है, एक सुंदर स्त्री कितने दिन अच्छी लगती है, सुंदर सामान कितने दिन अच्छा लगता है, एक बहुत सुंदर घर में चीज ले आओ 2-4 दिन अच्छी लगेगी, ज्यादा से ज्यादा साल भर अच्छी लगेगी। इसके पास तो सौंदर्य की एक्सपायरी डेट आ ही जाती है, उसके बाद भी कोई सुंदर कहे तो समझना इसको पॉइजन हो गया है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको, गोरा रंग ज्यादा दिन सुंदर नहीं लगता है, बार बार देखोगे मन उब जाएगा। अरे बोलो ना यार, उब जाता है कि नहीं? कर्मचारी से कहलवा रहे हो, ज्यादा दिन अच्छा नहीं लगता है गोरा रंग। रुपया पैसा कितने दिन की शान देगा, 4 वर्ष 6 महीने, करोड़पति के घर भी बेटी चली जाए तो कोई जरूरी थोड़ी है कि वह पैसा उसे जिंदगी भर सुख देता रहेगा। एक बात ध्यान रखना, जीवन साथी बड़ा सोच समझ के चुनना, क्योंकि जीवन के अधिकांश सुख दुख पदार्थ और रुपए पैसे और सौंदर्य से नहीं, बल्कि जीवन साथी के साथ सुख दुखों का निर्वहन होता है। जीवन नरक तभी बनता है जब जीवन साथी गलत आ जाया करता है, जब उससे हमारे विचार मिलना बंद हो जाते हैं। पैसों की भी ढेर लगा दो तो कितना भी सौंदर्य हो, यदि सुंदर से सुंदर स्त्री भी बदतमीजी से बात करेगी तो उसके सौंदर्य की 2 कौड़ी भी कीमत नहीं रहा करती है। यदि पैसे वाला भी अदब से बात नहीं करेगा, उसके पैसों का कोई मूल्य नहीं हुआ करता है। जीवन साथी का चयन बड़ी सावधानी से करें,
ऐसा जीवन साथी होना चाहिए जिसका रूप सुंदर हो या ना हो, उसके विचार बहुत सुंदर होना चाहिए, उसका व्यवहार बहुत सुंदर होना चाहिए, उसके आचरण बहुत सुंदर होना चाहिए। जीवन में जहर खोल लोगे यदि गलत जीवन साथी मिल गया, ध्यान रखना। बहुत बड़ा सबूत दे रहा हूं, हरे दुनिया की समस्याएं तो निपटाई जा सकती हैं, लेकिन घर की समस्याओं को निपटाना बहुत कठिन काम हुआ करता है। इसलिए आज से निवेदन कह रहा हूं, आज से मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन है, जीवन साथ जिनके चुन गए हैं वो तो फंसे रहो। मैं तो उनके लिए प्रवचन कर रहा हूं जो लाइन में लगे हैं, ध्यान रखना। जीवन साथी बहुत अच्छा, और ये जो जिनके चुन लिए हैं जीवन साथी, आज वो सिर हिला रहे महाराज के हैं तो सही रहे हो, हम भी यही भुगत रहे हैं अपने घर में, ध्यान रखो। अच्छा जीवन साथी, और जिनने चुन लिया है अब कैंसिल तो हो नहीं सकता, समझ में आती, तत्काल की टिकट है, पैसा नहीं मिलेगा वापस, ध्यान रखो। जिनने चुन लिया है मैं उनसे निवेदन करता हूं, याद एक बात मुझे बता दीजिए, दोस्ती को जिंदा रखना है तो क्या करना पड़ेगा? बाहर के यार दोस्तों की दोस्ती गहरी करना है तो दोस्तों को समय देना बहुत जरूरी है, और भगवान से प्रेम रखना है तो भगवान को समय देना बहुत जरूरी है, और पुलक सागर से रिश्ते निभाना है तो पुलक सागर को समय देना बहुत जरूरी है, और जीवन साथी के साथ सुख से जीना है तो पत्नी को भी समय देना बहुत जरूरी हुआ करता है। आदमी सबको समय देता है, पत्नी की एक ही शिकायत है, मेरे पति के पास समय इतनी दौलत कमा रहा है, इतना बाहर समय लगाता है, घर में उसके पास टाइम नहीं है। अरे जिनकी शादी हो गई कान खोल के सुन लो, अपनी पत्नी को हीरे मोती की अंगूठियां नहीं, अंगूठी से ज्यादा वो याचना रखती है, 15 मिनट मेरा पति शांति से मेरे साथ बात करे, 2 मिनट मेरे सुख दुख पूछे, वक्त दिया जाना चाहिए। आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही है, आदमी घर में ऐसे आता है, एक वकील ऐसे आता है, आते ही साथ अपना बैग फेंकता है, पत्नी से ऐसे पेश आता है जैसे किसी क्लाइंट से बात कर रहा हो, ध्यान रखिए। एक डॉक्टर ऐसे बात करता है जैसे किसी पेशेंट से बात कर रहा हो, एक व्यापारी ऐसे पेश आता है पत्नी से जैसे किसी ग्राहक से बात कर रहा हो। अरे मेरे भाई, मैं डॉक्टरों से निवेदन करूंगा, वकील से निवेदन करूंगा, उद्योगपति से निवेदन करूंगा कि जो भी तुम्हारा पेशा है ना, घर में प्रवेश करते ही अपनी डॉक्टरी, अपनी वकालत, अपनी व्यापारगिरी, अपनी साहूकारी वहीं उतार दिया करो जहां चप्पल और जूते उतारा करते हो, और जैसे ही घर में प्रवेश करो वकील बनकर प्रवेश मत करिए, डॉक्टर बनकर प्रवेश मत करिए, अफसर बनकर प्रवेश मत करिए। घर में कोई क्लाइंट तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा, घर में कोई नौकर तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है, घर में कोई पेशेंट इंतजार नहीं कर रहा है, घर में इंतजार कर रही है तुम्हारी पत्नी, घर में इंतजार कर रही है एक बच्चे की माँ, घर में इंतजार कर रही है एक सुखद जीवन देने वाली एक देवी तुम्हारा इंतजार कर, ध्यान रखिए। थोड़ा सा समय पत्नियों को दे दिया, मेरे चतुर्मास में नहीं आओ चलेगा, क्योंकि मेरा प्यार ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, इनका तो जिंदगी भर लगा हुआ है, ध्यान रखिए, इनको थोड़ा समय जरूर देना चाहिए। इतनी तमन्ना रखती है पति को शब्द से बोले, यहां पति बीमार है, फोन करती है कि सुना जी मेरा सिर दुख रहा है, पति कहता है ऐसा कर बाजू में डॉक्टर के पास चली जाना, मैं आज लेट आऊंगा। अब एक तो सिर दुख रहा था, दूसरा सिर दर्द और दे दिया कि मैं आज, सोचिए आप विचार करिए, ऐसा कर बाजीवाड़ी जो आती है ना उनके साथ जाकर के डॉक्टर को दिखा के आ जाना। पत्नी बिचारी हताश हो जाती है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जिस दिन आप इससे घर लौट करके आओ, ये बातें बहुत छोटी हैं लेकिन बातें बहुत बड़ी हुआ करती हैं, ध्यान रखिए। घरों में झगड़े बड़ी बड़ी बात के नहीं होते, घरों में झगड़े छोटी छोटी बातों के हुआ करते हैं, और ये छोटी छोटी बातों के झगड़े पूरे घर में महाभारत
की रचना कर दिया करते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत काम आएंगी तुम्हारे। काश तुम ऑफिस से आते और देखते कि पत्नी पलंग पर लेटी है, जाकर के उसके सिर पर हाथ रख देते दो मिनट कि बोल तुझे क्या हुआ है। ध्यान रखना, आपका रखा हुआ हाथ, आप माथे पर हाथ रखते पत्नी की आंखों से आंसू पुलक पाते हैं। इसलिए नहीं कि तुमने मेरे सिर पर हाथ रखा है, इसलिए इतनी मेहनत और व्यस्त होने के बाद भी तुमने मेरा ध्यान रखा है, इसलिए मेरी आंखों में आंसू की धारा बह। ये संवेदनाएं हैं, ये भावनाएं हैं, इन भावनाओं को समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए। आप कहते कि चल खाना बाजे बनाना, चल बैठ स्कूटर पर, सबसे पहले मैं तुझे डॉक्टर से दिखाऊंगा, उसके बाद फेंक करके यहाँ पर भोजन बनेगा, भोजन किया जाएगा। बोलो, वो पति पत्नी जो घर में ऐसे रहेंगे, बोलो क्या वो तलाक के कागज पर साइन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैं तो कहता हूँ हर पत्नी उठकर भगवान से कहेगी, एक जन्म नहीं 10 जन्म तक मुझे ऐसा पति मिलना चाहिए, 10 जन्म तक मुझे यही परिवार। थोड़ी सी समझदारियां रखिए। आदमी समझदारी नहीं रखता है, एक 28 साल का जवान, मैंने उससे पूछा तेरी शादी हो गई, बोले महाराज शादी का नाम मत लेना, अरे तो इनका साधु बन गया। बोले ये तो और खतरनाक है, तुम इनका अपू तो ना घर का रहा ना घाट का रहा, बोल शादी क्यों नहीं की। बोले महाराज सब कुछ करूंगा, शादी नहीं करूंगा। मिलता क्यों? बोले मैंने ये सुना है कि शादी के बाद साल भर तो पति भौंस जमाता है, फिर जिंदगी भर पत्नी आदमी पर भौंस जमाती है, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। अरे तो मैंने कहा अरे इससे डरता नहीं तो है। बोले महाराज शादी का नाम मत लेना, मेरे घर का माहौल देखता हूँ, मेरे पापा नीचा सिर किए रहते हैं, मम्मी बड़बड़ाती रहती है, ऐसा लगता है ये माहौल देख करके जीवन में सब कुछ करना चाहिए पर शादी नहीं करना चाहिए। मैंने कहा एक काम कर, तेरी शादी हो जाएगी, टेंशन मत ले। तो बोले महाराज यदि वो मुझ पे भौंस जमाएगी तो मैं क्या करूंगा। मैंने कहा यार इतना अनुभव तो मुझे नहीं है, क्योंकि मैंने पूरी देश की समाज पे भौंस जमाई, मुझ पे कौन जमाएगा। तो मैंने कहा एक काम कर। बोले क्या? मैंने कहा प्रशांत से मिल ले। नहीं मैं बजा रहा जी से नहीं, मैंने कहा प्रशांत से मिल लेना। तो बोले उससे क्या होगा? अब प्रशांत के पास चलेगा, इनकी सलाह क्या होगी तुम समझ सकते हो। उसने कहा क्यों यार मैं शादी करूं नहीं करूं? प्रशांत ने कहा कर ले यार शादी। बोले यार पत्नी घोष जमाएगी तो? बोले पागल है क्या, पहली बार से तू घोष जमाना शुरू कर देना। और इतनी अकड़ के बात करना छाती चौड़ी करके, उसकी हिम्मत ना हो तो इसे जवाब देने की। तू बेटा झुका कि वो छाती पे चढ़ी, ध्यान रखना बिल्कुल मत झुकना। तो बोले मैं करूंगा क्या? बोले तू ऐसा करना, कोई भी काम हो एक भौंस जरूर जमाना, जरा सुन। ऐसा नहीं किया तो ध्यान रखना। अरे उसने कहा यार ये फार्मूला तो बड़ा अच्छा दे दिया, और नादान ने इसके कहने में शादी कर ली। और शादी कर ली चाय नहीं बनाई तूने तो ध्यान रखना। नहीं नहीं आई थी। उसने कहा चलो भैया बना देते हैं चाय, क्या बिगड़ रहा है। दोपहर को 10 बजे ऑफिस जाने लगा, खाना बना जल्दी, नहीं बनाया तो बोली तो ध्यान रखना। पत्नी ने कहा ठीक है ध्यान, अब 6 महीने तक तो ये चल गया है, हर चीज में कपड़े तैयार करने की तो ध्यान रखना। अब पत्नी तो पत्नी बिचारी कब तक सहन करे, कब तक बोले। लेकिन इतनी डर गई, इतनी सहन गई कि मेरा पति तो बड़ा जल्लाद है, कभी प्यार से बात ही नहीं करता, हिम्मत नहीं उसकी। वो चली गई इंसान की पत्नी के पास। उसने कहा बहन एक बात तो बता। बोले क्या? बोले मैं बड़ी दुखी हूं शादी करके। बोले हुआ क्या? बोले इतनी भौंस जमाते हैं। बोले क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं करो तो बोलते, नहीं किया तो ध्यान रखना। प्रशांत की बीवी भी कमजोर थी। उसने कहा तू पागल है क्या, तू मेरे से पहले सराय नहीं लेती। बोले क्या? बोले जब तक तू बोलेगी नहीं वो तो बोलते ही रहेंगे। तो बोले क्या करो? तो बोले एक बात बोल देना जरा हिम्मत करके। बोले मेरी तो हिम्मत है।
क्या हिम्मत करूं? बोले इतना पूछ लेना कि नहीं किया तो तू क्या कर लेगा, तेरी जिंदगी की कहानी बदल जाएगी। उसने कहा हिम्मत है, अरे हिम्मत है, मैंने भी ऐसा ही किया था। घर आई, जैसे ही आई पति ने कहा, ठंडी के दिन थे, बोले पानी गर्म है, नहीं किया तो ध्यान रखना। पत्नी ने कहा आप तो हिम्मत कर ही लू मैं, पत्नी का बोल नहीं करूंगी तो तू क्या कर लेगा मेरा, अरे पति क्या कर लेगा रामलाल। उसने कहा मैं क्या कर लूंगा, ठंडे पानी से नहा लूंगा। अब पति इसके अलावा कर भी क्या सकता है, विचार करो। मान्यवर कहने का मतलब मेरा इतना है, इस तरह से रिश्ते नहीं निभते हैं कि पति कहे कि पत्नी मेरे अंडर में रहे और पत्नी कहे कि पति मेरे अंडर में रहे। हर एक दूसरे पर अधिकार मत जमाओ, हर प्रेम की बरसात में जियो, तुम्हारे जीवन में खुशियों के फूल खिलने में ज्यादा देर नहीं रहे। क्यों एक दूसरे पर अधिकार जमाते हो, क्या कहते हो कि वो मेरे अनुसार चले, मैं उसके अनुसार चलू? नहीं मेरे भाई, जिसके जो कर्तव्य है अपने अपने कर्तव्य के अनुसार चले। महिलाएं जिद करना छोड़ दें और आदमी गुस्सा करना छोड़ दे, उसी दिन घर को मंदिर बनने में ज्यादा देर। बात बात पर आदमी गुस्सा करता है, दोस्तों के सामने प्रेम से बात करता है, पत्नी से बड़े अकड़ के बाहर छाती चौड़ी करके बात करता है। छाती ज्यादा चौड़ी मत करो, दुनिया में कोई सिर झुकाने वाला भी मिल जाया करता है। मान्यवर प्रेम से अपना जीवन गुजारने का प्रयास करिए। घर को मंदिर बनाना तुम्हारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक परिवार था जिसमें छह बहुएं थी, एक साथ भी घर का काम कौन करे, मैं भी रानी तू भी रानी कौन भरेगा। हर कोई बड़े घर की आई, बोले मैं काहे को करूं, मैं काहे को करूं। सास समझदार थी, सास ने कहा एक काम करो, बड़ी बहू संडे को काम करेगी, दूसरे नंबर की मंडे को करेगी, तीसरे नंबर की ट्यूसडे को करेगी। सातों बार में एक एक की ड्यूटी लगा दी। अब दुर्घटना एक घटी, सास ने सोचा कि एक एक करेंगी तो घर में झगड़े नहीं होंगे। अब दिक्कत ये हो गई कि मान लो संडे को बड़ी बहू बीमार हो गई तो मंडे वाली तो कहेगी मैं काहे को बनाऊं, आज मेरा दिन ही नहीं है, जिसका दिन है वो खाना बनाएगी। बड़ी गड़बड़ हो गई कि सातवीं बहू और आ गई। सातवीं बहू नई नई थी, नई नई आई थी, सवेरे उठी, उठते ही 5-6 बजे उठ करके रसोई घर में गई, चाय बनाने लगी, नाश्ता बनाने लगी। सासू ने देखा, उठकर आई अपने कमरे से, अरे बहू ये क्या करती है तू, 6 बहुओं के 6 दिन फिक्स है, लास्ट का जो दिन है वो तेरा है। तू सुबह से उठ चाय बना रही है, नाश्ता बना रही है, अरे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि नई बहू पर बड़ा जुल्म कर रही है। अरे ऐसा मत कर, मेरी इज्जत का ख्याल। तो ख्याल रख रही हूँ। बोले क्या ख्याल रख रही है? अरे तू कल शादी होकर आई, आज नाश्ता बनाएगी, लोग क्या कहेंगे? बोले लोग कुछ कहें या ना कहें, मेरे गुरु पुलक सागर ने मुझसे जरूर कुछ कहा है और मैं लोगों के कहने में नहीं जिया करती हूँ। मैंने पिछले चातुर्मास में उनसे जो शिक्षा प्राप्त की है वह मैं करूंगी। बोले कैसे क्या करेंगी? बोले माई बताओ, तुम रोज मंदिर जाती हो, रोज पूजा पाठ करती हो, बात बताओ मां, भूखे को भोजन देना पुण्य होता है या पाप हुआ करता है? सास ने समझा कि भूखे को भोजन देना ये तो नास्तिक भी कह देगा कि पुण्य हुआ करता है। उस बहू ने कहा मां ये बताओ, शास्त्र की किस पंक्ति में लिखा है कि पड़ोसी भूखा हो उसे देना पुण्य है, अपने घर के भूखे हो उन्हें भोजन देना पुण्य नहीं? मां जब इस घर में रात में कोई नहीं खाता है, एक बार सोच
जो 12 घंटे से भूखे हैं उन्हें भोजन देना पुण्य होगा या पाप होगा। इसलिए सुबह का नाश्ता मैं बनाऊंगी, सुबह का भोजन मैं बनाऊंगी। मां तुमसे निवेदन है, इस पुण्य कर्म को करने के लिए मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए। सास ने सोचा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आप बोलिए, क्या भिखारी को रोटी देना ही पुण्य है? क्या घर के अच्छे लोगों को देना पुण्य नहीं है? अरे घर के भूखों को भोजन कराना भी पुण्य। मंदिर बनाओ, घर को मंदिर बनाने की प्रक्रिया बता रहा हूं। सास ने सोचा, बहू तूने मेरी आंखें खोल दी, भूखे को भोजन देना तो पुण्य है, तो क्या ये पुण्य में सप्ताह में एक दिन कमाऊंगी? नहीं बेटा, कल से मैं भी भोजन बनाऊंगी और अपन दोनों मिलकर के ये पुण्य घर को मंदिर बनाना है। एक बहू 16 कारण 10 लक्षण व्रत करके मंदिर को मंदिर बना सकती है, लेकिन घर को मंदिर बनाना बहुत कठिन काम हुआ करता है। ध्यान रखिए, ये मंदिर की बातें घर में चलना चाहिए। थोड़ी देर आप क्या देखते हैं? छह बहुओं ने सुना, अरे भूखे को भोजन देना पुण्य है, तो ये पुण्य की अधिकारी क्या ये दोनों ही है? चलो कल से हम भी साथ में भोजन बनाएंगे, बोले पुण्य मिलकर के कमाएंगे। कहा जाता है कि अकेले पुण्य का फल अलग होता है और सामूहिक पुण्य का फल अलग हुआ करता है। सामूहिक पुण्य करेंगे। बहू उठी, झाड़ू लगाने लगी। सासू ने कहा, देखो तू ज्यादा मत कर, ये झाड़ू तू लगाएगी, नहीं बहू। उसने कहा, मां मेरे गुरु जी ने समझाया है कि मंदिर में झाड़ू लगाना किसी पूजा से कम नहीं हुआ करता है। एक सड़क पर झाड़ू लगाई जाए तो वह नौकरी कहलाती है और मंदिर में झाड़ू लगाओ तो पूजा कहलाया करती है। ये पूजा के संस्कार मेरे गुरुदेव ने दिए हैं। तो सास ने कहा, फिर जा मंदिर में झाड़ू लगा। बोले, मां गुरु जी ने ये समझाया है कि मंदिर का मंदिर बाद में है, घर भी एक प्रेम का मंदिर है। इसमें झाड़ू लगाओगे, बुहारी लगाओगे, पुण्य का बंद होगा। सास ने कहा, ठीक है, आज से नौकरानी बंद। जिस घर में 7 बहुएं हो और नौकरानी की जरूरत क्या है, विचार करिए। बोले, बंद, आज से झाड़ू मैं लगाऊंगी। कपड़े धोए बहू ने। सास ने कहा, ये कपड़े क्यों धो रही है? बोले, महाराज ने कहा है कि भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करो तो पुण्य लगता है, भगवान के मंदिर की सफाई करो तो पुण्य लगता है, तो घर की सफाई करो तो महापुण्य लगता है। इसलिए मैं घर के काम भी नहीं करूंगी। पानी लेने चली गई पगड़ पर। सास नीचे दौड़ी, पगड़ी घर के अंदर तो चल गया, बाहर पानी लेने दौड़ रही है। बोले, हाँ मेरे गुरुदेव ने कहा है, लोग बात तो संस्था बना के चंदा चिट्ठा इकट्ठा करके चौराहे पर प्याऊ खोला करते हैं और पुण्य माना करते हैं। मैं घर में प्याऊ खोल रही हूँ और पुण्य का संचय कर रही हूँ। धर्म केवल बाहर नहीं होता मेरे भाई, धर्म की शुरुआत तो घर से हुआ करती है। क्योंकि मेरा विश्वास है, घर घर से बनता है परिवार, परिवार से बनता है समाज, समाज से बनता है राष्ट्र और राष्ट्र से बनता है विश्व। लोग देश सुधार की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि समाज का सुधार करो। समाज कहां से बनता है? समाज हमारे परिवार से बनता है। ध्यान रखिए, परिवार का सुधार भी समाज का सुधार हुआ करता है। इतने बड़े बड़े ग्रुप बना लेते हैं, मंडल बना लेते हैं, संस्था बना लेते हैं, समाज सुधार की बातें करते हैं, घर तुम्हारा नरक के समान हुआ करता है। हर घर एक समाज है, हर घर एक राष्ट्र है, हर घर एक विश्व हुआ करता है। ध्यान रखिए, पहली शुरुआत हमारे घर से होना चाहिए। पहले स्वर्ग पहला मंदिर, मैं कहता हूं जिसने घर को मंदिर बना लिया फिर वह भगवान के मंदिर में जाए, अरे वो सुकून बरसेगा जो कभी महावीर को जंगल में बरसा था, कभी ऋषभदेव को जंगल में बरसा था, कभी महादेव को कैलाश की चोटियों पर जो सुकून मिला था, वो सुकून आपको भगवान के मंदिर में प्राप्त होगा। और घर में यदि अशांति है, लाख पूजा करो, लाख पाठ करो, किसी मंदिर
शरीर में ताकत नहीं है कि तुम्हारे जीवन को शांति प्रदान कर सके। जिसका घर मंदिर होता है, एक बात ध्यान रखना, 90 साल के दादाजी भगवान से कहते हैं कुछ दिन और जीने का अवसर प्रदान कर दे भगवान, ऐसे घर से जल्दी मत उठा। 90 साल के दादाजी जीने की दुआएं मांगेंगे, यदि घर मंदिर जैसा होगा 90 साल के दादाजी भी कहेंगे ऐ खुदा कुछ दिन मुझे परिवार के साथ जीने दे, तेरे साथ तो मरने के बाद भी हम जी लेंगे, तेरी हमें कोई परवाह नहीं। जिस घर में मंदिर होगा वो आदमी किसी और तीर्थ की कल्पना नहीं कर सकता है, और जिस घर में नरक होता है वहां 23 साल का जवान भी आत्महत्या के ख्याल किया करता है, मरने के विचार बनाया करता है। 23 साल का जवान कहता है भगवान से कि अब तू मुझे जल्दी उठा ले। अरे दो कोई के हैं बोलो, बहु बेटे के होते हुए माँ बाप को यह कहना पड़े भगवान को दुनिया से हमें जल्दी उठा ले। ध्यान रखना, इससे बड़ा दर्द दुनिया में दूसरा कौन सा होगा। मरने की बात सोचे तो समझना तुम्हारा खुद भगवान का मंदिर नहीं हो सकता है। एक बात ध्यान रखें, हिल मिल कर रहे यही जीवन की सामायिक समता भाव क्या आप केवल जीव जंतुओं पर ही रखेंगे? अपने परिवार में समता भाव नहीं होगी क्या? उपसर्गों का सहन छात्रों के ही काम है, कुछ संघर्ष और उपसर्ग सहना तुम्हारा भी काम हुआ करता है। एक बात ध्यान रखना, धन दौलत के घेर में वो सुख नहीं मिलता जो परिवार के प्रेम में सुख की प्राप्ति हुआ करती है। क्या चाहोगे ईश्वर से? अरे मेरे भाई, दो तरह की संस्कृति है, एक गबरे की संस्कृति है और एक प्यारी की संस्कृति है। दोनों को देखने का प्रयास करना, गमले का जीवन देखना पौधे का और प्यारी के पौधों का जीवन देखना। गमले के पौधे का पानी केवल एक पौधे पर डाला जाता है, एक पर ही पानी जाएगा, और दो दिन पानी ना डालो तो गमले का पौधा मुरझाने लगता है मेरे भाई। और एक जो क्यारी में लाइन से पेड़ लगे रहते हैं, अरे एक पेड़ पर पानी डालो दूसरे पेड़ अपने आप तृप्त हो जाया करते हैं। सब में अलग अलग डालने की कोई जरूरत नहीं हुआ करती है, एक पर पानी डालो वह एक पेड़ अपने सब भाइयों को पानी पिला दिया करता है। क्यारी के पौधे में दो दिन पानी ना डालो तो भी सब पौधे भाई आपस में मिलके जीना जानते हैं, वो पानी से नहीं वो प्रेम से जिया करते हैं। गमले का पौधा अकेला होता है, उसके पास पानी तो होता है पर प्रेम नहीं हुआ करता है। कभी किसी शमशान में जाकर के देखना, कब्रें ज्यादा दूर दूर नहीं होती, एक कब्र से दूसरे कब्र की दूरी 2 फीट 4 फीट इससे ज्यादा नहीं होती है, लेकिन मुर्दों की जिंदगी तो देखो, जिंदगी भर कब्रों में लेटे रहते हैं, न एक दूसरे से बोलते हैं न एक दूसरे की शक्ल देखा करते हैं। और एक घर में रहकर यदि हम भाई भाई भी आपस में नहीं बोलते हैं, सदस्य कोई भी आपस में बोलना या देखना पसंद नहीं करता है, बोलो उस घर को मंदिर कहोगे या उस घर को कब्रिस्तान कहा जाएगा? विचार करिए, आप सोचिए, पास पास लेते होकर भी उनमें कोई संबोधन नहीं हुआ करता है, कोई संबंध नहीं हुआ करता है। ऐसा जीवन तुमने बना लिया, अरे जिस घर में पैदा हुए हो उस घर में जान निछावर कर देना चाहिए। विचार करिए आप, जिस घर में पत्नी को लक्ष्मी बनाकर लाए हो, बैंक बजा के लाए हो, घोड़ी पे बैठ के लाए हो, हाथों में हाथ देकर लाए हो, अरे लक्ष्मी बनाकर लाए, आरती उतारी है, अरे पुरुषों तुमसे मेरा निवेदन है लक्ष्मी लाए हो तो लक्ष्मी जैसी इज्जत करना भी सीखो, लक्ष्मी जैसा सम्मान देना भी सीखिए, तब जीवन स्वर्ग बनेगा। अपने जीवन को मंदिर बनाइए, यदि घर मंदिर हो गया उसमें रहने वाला हर सदस्य किसी परमात्मा से कम नहीं हुआ करता है। आपसे मेरा निवेदन, एक मछली होती है ध्यान रखना, और एक होता है हंस, एक होता है पक्षी।
पक्षी को प्यास लगती है तो कहां जाता है पक्षी पानी पीने? सरोवर में जाता है ना। पक्षी को प्यास लगेगी सरोवर में पानी पिएगा, मछली को प्यास लगेगी तो कहां पानी पिएगी? बताइए आपसे मेरा निवेदन है, कहां पिएगी पानी? सरोवर खाली तो पिएगी ना, लेकिन दोनों के पानी पीने में बड़ा अंतर है। कुछ ऐसे स्वार्थी लोग होते हैं जो पक्षी की तरह होते हैं, सरोवर में पानी रहता है तब तो सरोवर में उतरा करते हैं, पानी पीते हैं और उड़ जाते हैं, फिर सरोवर की कोई परवाह नहीं किया करते हैं। ऐसी भी औलाद हमारे घर में होती है जो अपना स्वार्थ सिद्ध करती है और उड़ जाया करती है घर को छोड़कर, छोड़ देते हैं परिवार को, बिखर देते हैं। ये पक्षी की तरह प्रवृत्ति वाले लोग हैं। एक मछली होती है जो कहती है जिसका मैंने पानी पिया है तो समुद्र को छोड़कर कभी नहीं जा सकती हूँ, और समुद्र को छोड़कर भी नहीं जाती। कोई समुद्र को छुड़ाता है ना तो पानी बिना प्राण तज देती है, लेकिन पानी के बिना जीना स्वीकार नहीं किया करती है। अरे मछली की तरह घर में रहो, मछली की तरह परिवार में रहो। परिवार बिना प्राण तज दो, लेकिन परिवार के अलग अलग होने का विचार। पक्षियों जैसा जीवन मत बनाओ, पानी पिया उड़ गए यहां से, सन रखिए। एक पेड़ में आग लग गई, जलने लगा पूरा पेड़, सारे पक्षी उड़ गए, जानवर भाग गए। एक बैठा है पक्षी, आग लगी इस वृक्ष को जलने लागे पास, उड़ जा बोला पंछिया पंख तुम्हारे साथ। एक आवाज दी एक शेर ने कि भोले पंछी पेड़ चल रहा है उड़ जा यहां से, आग लगी इस वृक्ष को जलने लागे पार, उड़ जा भोला पंछिया पंख तुम्हारे साथ। पंछी ने शेर को देखा और कहा कि नहीं, बोले क्यों? बोले मैं नहीं उड़ूंगा। बोले क्यों नहीं उड़ूंगा? बोले फल खाए इस वृक्ष के और कंधे कीने पार, यही हमारा धर्म है, जलू मैं इसके साथ। ये भारत की संस्कृति हुआ जाधर प्रेम न संचरे ताधर जान न सहा। मानवत 10 बज गया, इतना ही मेरा निवेदन है, इतना ही मेरा आग्रह है। मंदिरों को ही मंदिर ना बनाए, घर को भी मंदिर बनाने का प्रयास करें, और घर को मंदिर बनाने के लिए एक बात स्मरण में रखना, हमारे विचार मिलना बहुत जरूरी है। घर को मंदिर बनाने के लिए महिलाएं जिद करना छोड़े और आदमी गुस्सा करना छोड़े, हमारे घर को मंदिर बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। कोई किसी के अंदर में रहने की कोशिश ना करे, कोई किसी को अपने दबाव में ना रखे, अरे प्रेम की दुनिया में जिए, प्रेम के साथ तुम भी मुस्कुरा सको, प्रेम के साथ वो भी मुस्कुरा सके। और सासुओं से मेरा निवेदन है, अपनी बहू को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, इतना प्यार, इतना प्यार दो, तुम्हारी बहू पीहर का मोबाइल नंबर भूल जाए। सूत्र देना बनते मोबाइल नंबर भूल जाए अपने पीहर का, और एक बहू अपनी सासू का इतना सम्मान करे, इतना सम्मान करे, इतना सम्मान करे कि गर्मी की छुट्टी में तुम्हारी सासू ननंद का इंतजार ना करे कि कब बेटी आएगी। उसे लगना चाहिए कि मेरी बेटी वही है, अरे बेटी वो नहीं जो 2 महीने को आए और ससुराल चली जाए, बेटी वो होती है जो जिंदगी भर हमारे साथ रहा करती है। इतना सा अपना जीवन का विचार को बदलिए, कल का विषय मेरा अलग होगा, कैसे रहे प्रसन्न, प्रसन्नता में कैसे जीवन का आनंद होता है। कल आप 8:30 बजे यहाँ पर उपस्थित हो, आप सबने सुना अनुग्रह।